जैन सभी को सेवन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 16 करने वाले हैं जिसका नाम है घरेलू उपकरण डोमेस्टिक टूल्स। आखिरकार हम घरों के अंदर जो है किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं हम लोग ठीक है। देखिए तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं और हम कैसे उन चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। घरेलू उपकरण मेन चीज़ हमारा ये समझना कि घरेलू उपकरण कौन कौन से होते हैं और आखिरकार उनका यूज़ कैसे किया जाता है। आगे बात समझ में ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम तो हमें पता चल गया, चैप्टर नंबर 16 है। और इससे पहले कि जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में डांस कर लो, नाच लो, गा लो और झूम लो जो भी करना है करो, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ो ठीक है। क्यों देखिए बहुत सारे बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि हम थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, लेकिन हाँ वो टाइम कभी आने नहीं वाला, याद रखिए। टाइम यही है पढ़ने का, जितना दम है लगा दो, याद रखिएगा। बाद में सोचने का ये मौका मत ढूंढना, मतलब कहने अपने आप को कहने का बाद में ये ना हो कि हाँ हमने मेहनत ही नहीं की। तो ये टाइम आने ही मत दो, पहले ही इतनी ज्यादा मेहनत कर लो कि सारी चीजें अच्छी लगने लगे बाद में। आरिवास में क्या कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी भी जो है खोए हुए हैं, कहाँ दुनिया में, कहाँ कौन सी दुनिया में मस्त है समझ नहीं आ रहा। अब बिल्कुल इतना ज़्यादा टेंशन हो गया, पढ़ाई कैसे करें, ये कैसे करें। आप जो एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले ही तैयारी पूरी कर लो अपनी, है ना। तो क्या बिगड़ेगा, एक बात बताइए, अच्छे सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो डरना भी नहीं पड़ेगा फिर बाद में। अभी भी टाइम है, अभी एग्जाम आने में थोड़ा टाइम है। आप लोग क्या करो, मेहनत शुरू कर दो, रात दिन एक कर दो, बाद में मौका ना दो अपने आप को कि हाँ मैंने मेहनत नहीं करी थी। मेहनत इतनी कर दो कि फिर मजा आ जाए, वाह। देखो अपने आप को पता रहता है कि हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, किसी को दिखाओ मत, किसी को बोलो मत, लेकिन खुद करके दिखाओ। आगे बस तब मजा आएगा, जब जेब में पैसे रहेंगे ना फ्यूचर में, तब देखना लोग पूछेंगे, वरना खाली जेब वाले को तो कोई नहीं पूछता है ठीक है। तो कहता इसीलिए हूं ताकि आप लोग मेहनत करें, और एडमिशन ले लिया ओपन से और मेहनत नहीं कर रहे, तब तो फिर आप और गए गुजरे हो गए। इसलिए अपने आप को कभी कम मत समझना, और जब भी लगे कि हाँ ये बिल्कुल कमजोर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करो, सोचो कि फ्यूचर में भाई बुरा हो जाएगा मेरे साथ अगर मैं नहीं पढ़ा तो। अरे वाह सर, तो थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई पर, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा अभी जरूरत है आप लोगों को ध्यान देने की। आरिवा समझ में, तो ये चीज है, घर वालों को भाई बिल्कुल अभी ये कर दो कि हाँ वो लोग जो कह रहे हैं सुनो तो, पर थोड़ा सा उनको भी समझा लो कि हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम पढ़ने का दे दो। क्योंकि बहुत सारे घर वाले जो होते हैं, मैं बच्चों की कहानी जानता हूँ कि बहुत से घर के मतलब जो पेरेंट्स हो गए और भाई बहन हो गए, थोड़ा सा ना काम दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, थोड़ा सा ना माइंड इनका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर आप क्या करें, थोड़ा सा समझाएं उनको, अच्छे तरीके से समझाएं ताकि सब लोग मान जाएं, और ये जो 2 महीने हैं 1 महीने हैं ढंग से मेहनत कर लो, फिर मजा आएगा देखना। आगे बस चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन आज का। और इससे पहले वाली वीडियोस बहुत अच्छी हैं, आप लोग जाकर जरूर देखो, और पसंद आती है ना तो सपोर्ट कर देना साइमन क्लास को, मजा आ जाए जिससे कि ठीक है। चलिए तो श्रम बचाऊ उपकरण शब्द की परिभाषा दें। श्रम उपजाऊ, श्रम मतलब होता है आपकी मजदूरी, मेहनत, ये तो ऐसी क्या उपकरण है, हट बार बार आ रहा बीच में ठीक है, मच्छर है, अभी मक्खी आ रही थी फिर मच्छर आ रहा है। तो ऐसे कौन से उपकरण हैं जो आपका श्रम बचाएंगे, मेहनत बचा सकते हैं आपकी, आपका ये सारी चीज़ है ना, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है श्रम बचाऊ उपकरण शब्द की परिभाषा दें, यानी कि ऐसे कौन से उपकरण हैं जो आपके श्रम को यानी कि मेहनत को, मजदूरी को बचा सकते हैं, समय को भी बचा सकते हैं। देखिए ऐसे उपकरण जिनके इस्तेमाल से श्रम की बचत होती है, आपके मेहनत की बचत होती है, उन्हें श्रम बचाऊ उपकरण कहते हैं। जैसे टोस्टर, अब टोस्टर क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, उसमें ब्रेड डाल दो, वो आपको ब्रेड फेंक देगा, मुंह पे ही चिपका देगा, वाह क्या गर्म हो गया मैं, ऐसा उन्हें श्रम बचाऊ उपकरण कहते हैं। जैसे टोस्टर, मिक्सी, आप मसाला पीस रहे हो, पुराने जमाने में या पुराने टाइम में अभी भी बहुत से घरों में यूज होता है, सिलबट्टे पर मसाला पीसती हैं सब महिलाएं, है ना, तो उसमें थोड़ा सा समय जाता है। आप क्या है आज के टाइम पे मसाला डालो मिक्सर में और घड़गड़ 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 नचाओ उसको इतना ज्यादा, और मसाला आपका बढ़िया पीस जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। पानी गर्म करने की रॉड, आप पहले
पानी गर्म करने के लिए ऊर्जा का यूज करते थे, यानी गैस सिलेंडर का यूज करते थे, बहुत ज्यादा ठुठुर रहते थे ठंडी में, तो आज रॉड ला लो पानी में और गर्मा गर्म पानी मिल जाएगा आपको, गीजर आ गया है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर तो रेफ्रिजरेटर क्या है, आपकी फ्रिज ठंडा पानी दे रही है आपको, आपके सामान को खराब होने से बचा ले रही है। क्यों ये चीज है, क्योंकि पुराने टाइम पे क्या किया जाता था, मटके में पानी रखा जाता था, वो बहुत अच्छा होता था, ये तो सबको पता है। तो उसमें क्या है, कई बार ऐसा भी होता था कि तो जो है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ थी। पानी भर के नीचे रखते थे कटोरे वटोरे में, है ना, और उसमें एक जो है गीला कपड़ा टाइप का ऐसे रस्सी में बांध देते थे, ऐसे इस तरीके का जो है रस्सी में बांध दिया जाता था, और यहाँ पे जो है कटोरा वटोरा होता था उसमें पानी भरा होता था, और यहाँ का हिस्सा गीला रहता था ऑल टाइम, ये हमेशा गीला रहता था, इसमें कोई भी चीज़ रखो तो ऑल टाइम वो फ्रेश रहती थी, है ना। नमी फल वल रख दो, सब्जी वब्जी रख दो इसमें, तो वो चीज़ थोड़ा सा सुखाओ फिर रख दो, ऐसे ये चीज़ करी जाती थी। इसको भी पढ़ाऊंगा जो है ग्रामीण शीतल होता है वो, देखिए तो ये चीज़ है। उसके बाद बोल रखा है कि खाना पकाने का चूल्हा, सौर कुकर, इन सारी चीज़ों का यूज़ करा हमने, तो हमारा समय जो है हीरोइन बन गया, मतलब हमारा समय जो है बच गया, श्रम बच गया, मेहनत बच गई। पहले चूल्हा जलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, है ना, धुआं हुआ होता था, महिलाएं हमारी बेचारी परेशान हो जाती थी। आगे बस तो आज देखो, है ना, बिल्कुल अच्छे से खाना वाना बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। घर पर बिजली के उपकरणों का प्रयोग, देखिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मैं पहली बोल चुका हूँ, जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ बढ़िया तरीके से पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। मैं 33 के लिए नहीं पढ़ा रहा, हजार बार बोल चुका हूँ, 33, 34, 35 के लिए नहीं, 90 एवं लाना है तो देखो वीडियोस। आगे बस सर में लंबी है लेकिन असरदार, दमदार और जलवा बिखेरने वाली वीडियोस हैं, ठीक बा। चलिए उसके बाद है, घर पर बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते समय ध्यान में रखे जाने वाले बिंदुओं को के क्यों नहीं के विषय में लिखिए। देखिए तो घर पर बिजली के उपकरणों, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, घर पर बिजली, देखिए कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आप क्या करो कि उसको एक बार दो बार पढ़ा करो, ठीक है, दो बार पढ़ोगे और उसको समझा करो, जब क्वेश्चन समझ जाओगे ना, बहुत से बच्चे का तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पर एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ और कह रहा होता है, आंसर दे देते, आप पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो। आगे बस हमने क्वेश्चन को ढंग से जब समझ लिया ना, तो आंसर आपको क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ बोला जा रहा है कि घर पर बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते समय, आप बिजली के उपकरण का प्रयोग कर रहे हो घर पे, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हमें याद रखना है। देखिए जो कुछ भी आप खरीदे वह घर पर प्रयोग के लिए सुरक्षित होना चाहिए, यानी कि आप सस्ता माल देख के मत खरीद लेना, कल को फूट जाए आप पता चलेगा ना, ये चीज। क्या आप जानते हैं कि बिजली के उपकरण की सुरक्षा की गारंटी देने वाला कौन सा चिन्ह होता है, तो वो ISI मार्क होता है, ISI मार्क वाला ही आपको जो है खरीदना है। ठीक, आप ठीक कहते हैं, देखिए हमको बोले आप ठीक कहते हैं, ISI चिन्ह वाले उपकरण, क्योंकि पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, ISI चिन्ह वाले उपकरण का प्रयोग करो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इन उपकरणों को पूरी तरह से जांच परख बनाया जाता है और उच्च गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी के होते हैं ये, और आपको सुनिश्चित करना होगा कि जो भी बिजली के उपकरण आप खरीद रहे हैं उन पर ISI मार्क लगा हो, और इन चिन्हों के बिना उपकरण जो है रास्ते सस्ते तो हो सकते हैं किंतु वो प्रयोग में सुरक्षित नहीं होते, कब ब्लास्ट कर जाए, कब करंट लग जाए, कब आप हिलोरी बन जाओ, नाच नाच के हीरोइन बन जाओ। देखिए वो पता नहीं चलेगा, हालत खराब हो जाएगी, याद रखिएगा, इसलिए सस्ते के पीछे मत भागो, महंगा लो एक ही बार ही लो लेकिन अच्छा लो, ठीक है। चलिए देखते हैं, सभी बिजली उपकरणों के साथ 3 पिन प्लग और जो है 3 प्लग वाले लेना, और जो है विद्युत रोधी तार, और यानी तार ऐसा होना चाहिए जिसमें ब्लैक कलर का पूरा वो चढ़ा हुआ हो, किसी भी कलर का हो सकता है, बस वो ऊपर की कोटिंग मोटी होनी चाहिए। और ये बोला है ऐसे बिजली के उपकरणों का चयन मत करिए जिनके धातु वाले पुर्जे खुले हों, यानी कि वो बिल्कुल तार वार अलग से दिख रहे हों, क्योंकि इनके आपको झटका लग सकता है, इनसे आपको ऐसा झटका लगेगा कि बिना जेल लगाए सारे बाल खड़े हो जाएंगे और आप बिल्कुल बिल्कुल हीरो लगोगे आप, मतलब अजीब से। चलिए उसके बाद आता है ग्रामीण शीत, ठीक है, उसके बाद आ रहा है, ऐसा लगा कि अभी कुछ हुआ है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण शीतल क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। मैंने अभी जो आपको बताया था ग्रामीण शीतल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए ग्रामीण शीतल एवं इसकी उपयोगिता, कई बार हम बिजली से चलने वाले उपकरण की अपेक्षा अन्य उपकरण, जैसे रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है आपका, उसकी अलावा जैसे पानी ठंडा कर रहा है तो पानी वो भी तो ठंडा कर सकता है, यानी मटका। देखिए तो उपकरण के लिए बिजली से चलने वाले फ्रिज की अपेक्षा हम ग्रामीण शीतल
का उपयोग करते हैं, जैसे पानी को ठंडा रखने के लिए मटका उटका यूज कर लेते हैं गांव देहात में सब, ठीक है। ये चीज पहले सब मटका ही यूज करते थे ज्यादातर, कहाँ ज्यादा लोगों के फ्रिज था पहले, देखिए। तो ग्रामीण शीतल जाली से बना, जैसे ग्रामीण शीतल क्या होता है, एक जाली से बना ऐसे कपड़ा टाइप का होगा, या बोल सकते आलमारी, एक छोटी सी अलमारी होती है, इसको टाट यानी कि जैसे टाट टाट जिसे बोलते हैं ना, वो बोरा वोरा टाइप का, वो से चारों ओर से जो है ढककर रखा जाता है, और लेकिन जो है सामने से नहीं ढका जाता, और इस टाट के सिरे पानी जो है पानी के कटोरे में डूबे रहते हैं और लगातार भीगे रहते हैं। जैसे अब कोई भी वो हो गया, जैसे ये बोरा वोरा टाइप का हो गया, मान लीजिए इसके चार कोने होंगे ना, तो ऐसे कैसे बनाऊं, या 3D तो है नहीं हमारे पास, तो ऐसे मान लीजिए कि अब ऐसे जो भी है यहाँ पे बोरा वोरा टाइप का है, बीच में आप कोई भी सामान रखा है एक्सपेरियर, तो यहाँ पे भिगा रखा है उसको, यहाँ भिगा रखा है कटोरे से, यहाँ भिगा रखा है, यहाँ भिगा रखा है कटोरे से, तो इसमें नमी, टाट मतलब देखा होगा आपने, जूट वाला बोरा नहीं होता ब्राउन कलर का है ना, वो तो बिल्कुल नमी वाला रहता है, इसलिए हमें वो वाला बोरा जो है यूज करना चाहिए। इसे शीतल जो है, ग्रामीण शीतल जो है ज्यादा अच्छी सी बनी रहेगी। इसे फ्रिज की जरूरत है नहीं, ठंडा रहेगा, फ्रेश रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। घरेलू उपकरण के चुनाव के समय ध्यान में रखने वाले, मुंह दर्द हो गया, घरेलू उपकरण के चुनाव के समय ध्यान में रखने वाले 5 कारकों का। देखिए आप घरेलू उपकरण खरीदने गए, आप अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ जो है उपकरण लेने गए, उपकरण ये नहीं गोला बारूद लेने गए, वरना बीवी आपको लगा के उड़ा देगी गोला बारूद में, नहीं करना है ऐसे। देखिए घरेलू उपकरणों के चुनाव के समय, यानी कि याद रखें आप घरेलू उपकरण खरीदने जा रहे हैं, उसके चुनाव में, घरेलू उपकरण के चुनाव में आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, आ गई बात समझ में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं घरेलू उपकरणों के चुनाव में क्या ध्यान रखेंगे। देखिए मान लीजिए आप और आपकी पत्नी गए हैं, या जो लड़कियां सब देख रही हैं वो और उनके वो पति जी हैं जो है गए हैं, तो क्या ध्यान रखना होगा, तो जरूरत पर आधारित आप ऐसी चीज खरीदो जो आपकी जरूरत के हिसाब से हो, जिस चीज की आपको जरूरत हो वो खरीदो, यानी कि यार ये अच्छा लग रहा है चलो ये भी ले लो, ये अच्छा लग रहा है वो भी ले लो, ये तो ये पैसा भी खर्च करना हो गया, वेस्टेज भी हो गई, कदर नहीं करोगे फिर आप। देखिए जब आप किसी उपकरण को खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, तब आपको इनका चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहला बात है जरूरत पर आधारित, ये ऐसी चीज खरीदो जो आपकी जरूरत के लिए, जरूरत के हिसाब से हो, जो भी उपकरण हम खरीदते हैं उससे हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए। कभी भी किसी उपकरण को इसलिए ना खरीदें कि वह दूसरे लोगों के पास है, जैसे अड़ोसी पड़ोसी में क्या होता है, ओए कार खरीद ले क्या, यानी कि उसने कार खरीदा है तो मैं भी खरीद लूं, हीरा खरीद ले क्या, आपके पास जितना बजट है आप उस हिसाब से खरीदो ना, क्यों, जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाना चाहिए ना, आप सोच लो कि चादर से भी बाहर पैर फैला लो फिर तो ठंडी लग जाएगी, वही चीज़ होती है, जिस चीज़ की जरूरत हो वही खरीदो, ठीक है। याद रखिएगा ज़्यादा ज़्यादा आप ऐसे दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए ऐसी चीज़ करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो चीज़ें हैं आप ऐसी फैमिली बनाइए जो हमेशा कम चीज़ों में एडजस्ट कर सके, जब ही अच्छा फ्यूचर होगा, वरना बच्चों की डिमांड ऐसी ऐसी हो जाएगी ना, पापा मुझे ऑडी चाहिए, ओ ऑडी कहाँ से लाऊं, पैसा तो है नहीं, ले आप लोग पहले संभालना चाहिए था ना अपने लड़का को, आप उसको बड़े शौक दिलवा रहे हो, है ना, ये चीज़ें याद रखना चाहिए। चलिए दूसरा है समय धन और ऊर्जा की बचत, समय धन और ऊर्जा, ऐसी चीजें खरीदो जिससे आपका समय भी बचे, ऊर्जा भी बचे, धन भी बचे, ये चीजें हैं। जैसे कि जैसे उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसलिए समय और पैसे की बचत भी हो जाती है, आपका गैस भी बच जाएगा, सिलेंडर जो भी है, और क्योंकि इसमें ईंधन की खपत नहीं होती। चलिए उसके बाद सफाई करने में सरल हो, ऐसी चीजें खरीदो जिसकी सफाई आप अच्छे से कर सको, आगे वैसे जैसे बोला यार खरीदे हुए उपकरण अच्छे होने चाहिए जो धोने और वह साफ करने और रख रखाव में भी सरल हो। उदाहरण के लिए जैसे लोहे के बर्तन को साफ करना कठिन होता है, आप लोहे के बर्तन खरीद लो, कढ़ाई घिसते घिसते बेचारी सब इतना घिसेंगी, उसको ईटा लाएंगी घिसेंगी, जूना से घिसेंगी, पूरा चमड़ा वमड़ा छिल जाता है। आगे ऐसी चीज का यूज मत करो, एल्यूमिनियम का यूज करो, कॉपर की चीजों का यूज करो, दर्द हो रहा है। चलिए वो चीज़ है आप ऐसी, जबकि स्टील के बर्तनों में कभी जो है जंग वंग नहीं लगता, ये चीज़ सुरक्षा के लिए, यानी कि इसके लिए आप प्रश्न 2 देखें, मैंने आपको बता दिया था, ऐसे उपकरण खरीदो जो आपकी सुरक्षा को, मतलब ISI वाली चीज़ों का खरीदो, है ना, मूल्य पर भी आप बाजार
जाते हैं, जब जब भी आप बाजार जाते हैं सबसे पहले आप वस्तु की कीमत जानना चाहेंगे, कितने रुपए की भाई साहब, ओ भाई साहब आलू कितने रुपए किलो है, ओ बहन जी ये वाला बता दीजिएगा कितने रुपए किलो है। आप पहले चेक कर लो, जहाँ सस्ता मिलेगा वहीं पर भाग जाओ। क्यों, मजा आ जाएगा, बिल्कुल ढिंचक बन जाओगे। देखिए साधारण उपकरणों की कीमत अधिक नहीं होती है, और जबकि कुछ अन्य उपकरण महंगे होते हैं क्योंकि वे कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। आप ऐसी चीज़ों का चुनाव करो जो आपके बजट में हो, यानी कि आउट ऑफ बजट खरीद लो कि पड़ोसी की बीवी ने जो है, या बोल सकते हैं पड़ोसी की, आप ऐसे औरतें सब क्या करती हैं ज़्यादातर यही होता है कि भाई उन्होंने नेकलेस खरीदा है, पड़ोसी ने जो है 8 लाख रुपए खरीदा है, अब मैं भी खरीद दूंगी। तो इससे क्या होता है, आदमी के खोपड़ी के बाल तक उड़ जाते हैं। आप अपने घर को बचा के रखिए, आप दूसरों का देखिए मत कि आप उनके पास क्या है, इतने इनका क्या, क्या पता उनकी व्यवस्था अच्छी हो, क्या पता पैसा अच्छा हो ज़्यादा हो, लेकिन आपके पास जो है अब हो गया है, आपके पास इतना कम है तो आप उसको बचा के रखिए ना। क्यों दूसरे की तरफ भागना कि यार उसके शौक ऐसे हैं मेरे भी शौक ऐसे, नहीं। अगर ऐसा करना है ना आपको तो पहले खूब मेहनत कर लो, अपने पास भी पैसा लाओ, पर आपके पास नहीं है तो आप क्यों होड़ लगा रहे हो किसी से, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ें बोलता हूँ। नहीं तारीफ नहीं करते ना। देखिए उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ गया ये रहा, निम्न में से कौन सी गतिविधि असुरक्षित बा, असुरक्षित और क्यों, ध्यान सुनेगा, निम्न से कौन सी गतिविधि। देखिए मैंने आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, वरना बहुत बड़ा हो जाता है, पूरा नीचे तक ढक लेता, आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। मैं बताता हूँ, रसोई घर में निम्न में से कौन सी गतिविधि असुरक्षित है, यानी कि कौन सी गतिविधि जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उनमें से कौन सी गतिविधि असुरक्षित, आपके लिए अच्छी नहीं है, सुरक्षित नहीं है। जैसे रसोई घर में काम करते समय नायलॉन के कपड़े पहनना, क्या ये सुरक्षित है, बहुत खराब है, इसमें आग जल्दी पकड़ लेती है। जैसे इसका पहला पॉइंट उत्तर देखिए, रसोई घर में काम करते समय जो है सिंथेटिक कपड़े या नायलॉन के कपड़े ना पहने, ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि नायलॉन आग जल्दी पकड़ लेता और बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा और त्वचा में चिपक जाएगा और बहुत भयंकर, सोच के भी अजीब लगता है, इसलिए आप थोड़ा सा इंजॉय दूर सूती कपड़ा पहनो भाई, आराम से अपना जाओ और ये चीज़। उसके बाद है स्टोव या जो है स्टोव या जनरेटर में चलते समय ही तेल भरना, ये बहुत खतरनाक होता है। देखिए उसको बंद कर दो फिर तेल भरो ना, क्या होड़ लगी हुई है आपको, ये देखिए जरा, वरना आग पकड़ लेगा, खोपड़ी अलग हो जाएगी, थोड़ा सावधानी रखें आप लोग। कैरोसिन स्टोव के टैंक को 2/3 भाग तक ही भरें ताकि टैंक फटे नहीं, और कभी भी चलते हुए स्टोव या जनरेटर में मिट्टी का तेल ना डालें, पहली बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है तीसरा कि गैस के चूल्हे को सिलेंडर से चटकी ट्यूब से जोड़ना, यानी कि जो चटकी हुई ट्यूब, मान लीजिए आपकी ट्यूब जो है वो वाली बीच में चटकी हुई, तो आप इन चीजों का यूज मत करना, जैसे टूटी चटकी हुई गैस की ट्यूब को तुरंत बदल दें, जैसे ये आपको पता है कटी फटी हुई जो है खुली तारों को भी और प्रेशर कुकर की जो है, आपने देखा हो प्रेशर कुकर में रबड़ होती है, ठीक है, काली कलर की रबड़ की ट्यूब होती है, ये तो सबको पता होगा, तो वो टूटी फूटी ना हो, वरना फिर क्या होता है, यहाँ से सारी वो निकलेगी गैस, कुकर फटने का भी डर रहता है, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना, ठीक है। उसके बाद है जो है नॉनस्टिक बर्तनों को नायलॉन के जूने से साफ करना, तो ये नॉनस्टिक बर्तन को जो है प्रयोग करते समय धातु के चम्मच और करछियों का प्रयोग ना करें, यानी कि उसको जो है नॉनस्टिक बर्तन को आप लोग क्या कर रहे हैं, घसीट रहे, उस पर निशान आ जाएगा, ठीक है, और क्योंकि इससे बर्तन की नॉनस्टिक परत निकल जाती है, और प्रयोग के बाद नॉनस्टिक बर्तन को धोने के लिए कभी भी सख्त जूने का प्रयोग ना करें, क्योंकि नॉनस्टिक है भाई, उसमें कोई थोड़ा आपका तेल वेल लगा हुआ है या कोई चिपचिपा ऐसा लग गया, वो जल गया है ना, ऐसी चीज़ आएगी नहीं, इसलिए आप क्या करो कि इन चीज़ों का यूज़ मत करो, ठीक है। उसके बाद आ रहा प्रेशर कुकर से उसकी सीटी उठाकर भाप निकालना, कभी ऐसा काम मत करो, तो भाप की नली प्रेशर कुकर से जो है को हमेशा साफ रखें, जो पाइप की ऊपर वो होती है ना, यानी कुकर के ऊपर जो सीटी लगी होती है उसमें पाइप होती है, तो उसमें आप हमेशा साफ रखें उसको, ताकि हमेशा गैस निकलती, मतलब भाप निकलते रहे अच्छे से, और आप प्रेशर कुकर की सीटी अपने हाथ से मत उठा दो, वरना क्या पता आपने ऐसे निकाला और भाप मारा इतनी तेज से आँखों सब जल सकता है, भाप जब लगती है बहुत गंदा जलन होता है, ये चीज़ याद रखिए। उसके बाद है आप बिजली के उपकरणों को छूने से पहले प्लग हटा लें, यानी कि जब भी आप कोई बिजली का, तो या MCB गिरा दो या ये कर दो, ठीक है। उसके बाद गीले हाथों से बिजली का उपकरण चलाना, ये बहुत गलत होता है, आप ऐसा काम मत करना, वरना हाथों जो है करंट मार देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हम घर में ईंधन के संरक्षण से क्या अर्थ है, यानी हम में
यहाँ पे कुछ घर होना चाहिए ना, गलत लिख दिया, देखिए घर में होगा, घम में लिख दिया घर। देखिए घर में ईंधन के संरक्षण से क्या अर्थ है और ईंधन के संरक्षण हेतु उपाय लिखिए। देखिए अगर आप घर में ईंधन बचा रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ईंधन बचाओ हीरोइन बन जाओ। जैसे ईंधन के संरक्षण का अर्थ है ईंधन की बचत करना, जैसे अपने स्टोव के बर्नर को नियमित रूप से साफ करो जिससे कि अच्छे से उसमें से जो है गैस निकलेगी और वो क्या नाम है फ्लेम अच्छी निकलेगी। इसलिए पकाने से पहले दाल और वह चावल को जो है थोड़ी देर तक भिगो कर रखें ताकि वो जल्दी गल जाए। भाई सिंपल सी बात है, अच्छी चीज़ है ये। तो जब आप प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं तो उसमें प्रेशर बन जाने के बाद आँच धीमी कर दो, वरना वो क्या है ऐसी फालतू की जलती रहेगी, बहुत ज़्यादा चावल भी ज़्यादा गल जाएगा तो इससे क्या होगा नीचे जल भी सकता है वो, है ना। ये चीज़ बहुत ईजी था। रेफ्रिजरेटर से आप, रेफ्रिजरेटर से क्या लाभ है, इसका प्रयोग करने में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कौन सी सावधानी को यूज़ कर सकते हो, देखिए ज़रा ध्यान सुनिएगा। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, तो फ्रिज में कच्चे या पके खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के तापमान तापक्रम से कम तापक्रम पर रखकर सड़ने व खराब होने से बचाया जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं, अब मान लो दूध आपने गर्म करा और ऐसे ही छोड़ दिया उसको गर्मियों के टाइम पे बाहर ही, वो खराब हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो उसको तुरंत फ्रिज में रखो, ठीक है। फ्रिज में रखने से यह खराब नहीं होता, समय शक्ति व श्रम भी बचता है, गर्मी में ठंडा पानी प्राप्त हो जाता है फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर के फायदे बता रहा है, और फल सब्जियों को कई हफ्तों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, और इसमें शून्य तापक्रम पर आइसक्रीम कुल्फी आदि भी बनाई जा सकती है, और बहुत सी वस्तुओं जैसे मांस मछली सब्जियां विशेषकर हरी मटर और दोनों का संग्रह लंबे समय तक किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर के उपाय करते समय ध्यान देने योग्य बात है, जैसे भोज्य पदार्थ को सदैव सामान्य ताप पर ही रखना चाहिए, नहीं कि बिल्कुल खोलती हुई दाल है चलो चलो फ्रिज में रख दो हमें कहीं जाना है, वो बिल्कुल रेफ्रिजरेटर की हालत खराब कर देगा, वो इतना गर्म होगा। आगे बस समझ में, क्योंकि टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा हीट था। फ्रिज को बार बार नहीं खोलना चाहिए, यानी कि दिन में आई ओई नई नई चीज़ें आइसक्रीम है क्या, जब नया नया घर में फ्रिज आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ और काम नहीं होता, फ्रिज में भले ही कुछ भी ना हो बस खोल के देखेंगे यार क्या है, कहीं कुछ चमत्कार से तो नहीं आ गया, गलती से उसमें मिठाई उठाई दिख गई तब तो भाई वो तो 10 बार खुलेगी फिर दिन में, है ना, यही सब होता है। चलिए आइसक्रीम रख दी तो खत्म ही, फ्रिज ही खोल के रखो फिर तो उसको, क्योंकि कोई मानेगा तो है नहीं। तो प्रति सप्ताह फ्रिज की सफाई करते रहना चाहिए ताकि उसमें कीड़े वीड़े ना फैले, क्योंकि हम सब्जी रख रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक भोज्य पदार्थ को उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए, नहीं कि आठ गुठा हुआ आता एक में ये वो चमेली उमेली सब एक ही में रख दो। सब्जियों को पॉलीथीन में करके रखना चाहिए, दूध पानी व पके भोज्य पदार्थों को सदैव ही ठीक से ढक कर रखना चाहिए, वरना फिर उसकी स्मेल, सब्जियों की स्मेल पानी में चली जाएगी वरना फिर खराब हो जाएगा। कभी एक चीज़ करना, करके देखना आप लोग या करके भी देखा होगा कि किसी कटोरे में पानी रख दो, उसी फ्रिज में खुला रख दो, बस ढक्कन मत लगाओ कटोरे का पानी, और वो सब्जियों की महक सारी उसमें चली जाएगी, बड़ा गंदा लगेगा पानी पीने में, ना ऐसा होता है कई बार। चलिए प्रेशर कुकर की रचना और लाभ बताना है, प्रेशर कुकर का फायदे क्या होते हैं और लाभ बताना है वो ध्यान सुनिएगा। देखिए प्रेशर कुकर तो सबके घर में होता है, देखिए क्या है, यह एक भगवाने की तरह होता है, सबको पता है भाई प्रेशर कुकर क्या होता है, हमारे घर में चावल उसी में बनता है, और इसे भगोने पर एक ढक्कन लगा होता है जैसे, तो वही क्या है इसका ढक्कन इस प्रकार का होता है जिसको लगा देने से ढक्कन जो है वायु रोधक बन जाता है, और वायु को भीतर जाने से रोकने के लिए कुकर के ढक्कन में रबड़ का गोल गोल छल्ला जिसे गास्टेक जो है वो देखा होगा, रबड़ लगा होता है, ट्यूब लगी होती है, उसको लगाकर हमेशा खाना पकाना चाहिए, इसमें भाप बाहर नहीं जाता और खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में एक जो है सेफ्टी वॉल होता है, जो है दबाव में भोजन पक जाता है अच्छे से, ऊपर देखा होगा सीटी लगी होती है, एक छेद भी होता है कुकर में हैंडल के नीचे, उसमें छेद भी होता है, उसको हमेशा साफ करके रखना चाहिए हमें, यदि किसी कारण से दबाव नहीं निकल पाता तो वो सेफ्टी वॉल जो है फट जाता है। इसलिए प्रेशर कुकर सामान्यतः उच्च कोटि के लो, एल्युमिनियम का बना होना चाहिए, अच्छा कुकर लो ताकि सेफ रहो। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे कुकर आ रहे हैं, पुराने जमाने का कुकर तो का मामला खराब कर देगा। प्रेशर कुकर का लाभ क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है, भोजन को कोई पौष्टिक तत्व निकल नहीं पाता, और भोजन का रंग अच्छा बना रहता है, भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, एक साथ दो या अधिक व्यंजन बना सकते हो, समय की शक्ति की बचत होती है, या विधि स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक होती है। मेरी हो गई बैटरी लो, अब मैं मुझे लगी बहुत ही भूख, ठीक है। अब आप लोग को अगर अच्छा लगा हो ना तो जरूर बता देना, ठीक है, अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा साइमन क्लास को दें,
जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोग को और मज़े से पढ़ा सकूं। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, अच्छे समझते होंगे और मज़ा आ जाएगा इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दें, कमेंट करके आप लोग इतना बोलता हूँ कमेंट कर दिया करो, लेकिन पता नहीं क्या है आप लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता कमेंट करने का, थोड़ा सा टाइम निकाल कमेंट कर दिया करो जिससे कि मुझे अच्छा लगे, पता लग जाए किस किस ने अच्छे से वीडियो देख ली। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें पढ़ेंगे 17 चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।